विश्वविद्यालय सप्ताह खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्य भूषण सिंह। विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए नव किसान बायोटेक कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन कर रही है। इस कैंपस के दौरान कई छात्र छात्राएं अपने करियर के सुनहरे पन्ने लिख पाएंगे। इस कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट के दौरान प्रेजेंटेशन और अन्य दृश्य, जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी तुरंत आपसे पहले वो वहाँ पे खड़ा है, आपको गाइडेंस देगा, आपको प्रॉपर कोचिंग देगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। मतलब इसलिए मैं ये बोलना पड़ा यहाँ पे जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमको खेती का एक्सपीरियंस नहीं है, किसान को जाकर क्या बताएंगे। विश्वविद्यालय में इंग्लिश लैब की शुरुआत की गई। ये लैब ऐसी कई दिशाओं में कार्य करेगा जिससे छात्रों को न सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा बल्कि बेहतर प्रेजेंटेशन स्किल के साथ साथ वो करियर की अन्य चीजें भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा ये अभिनव प्रयास किया गया है। इस मौके के दृश्य, नाउ द डे हैज कम सिंस वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट। एक्चुअली दिस इंग्लिश क्लब इज समथिंग, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी मेंबर्स। एक्चुअली आई सी that most of the students, they come and approach us, they say that they don't have the proper environment where they can work on communication part. They don't have environment at their homes. Even when they come for the classes in like AKS or anywhere, most of the classes are taken in Hindi. So they don't have those such environment where they can practice and work on their communication part. So keeping their problem in mind, we have established English club where students can come and participate in various activities. Actually, when we talk about the teaching pedagogy or the teaching methodology, the trainers are of two types. Lecture-based training is there and activity-based training is there. Lecture-based training is very popular in India. For example, if I am a teacher. विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीके खबर साथ करेंगे। फिर मुलाकात।